बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हमीदास हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। पर आज मैं आपके बालों के बहुत से मसाइल का हल लेकर आई हूँ। आपके बाल ग्रोथ नहीं करते, हेयर फॉल है या फिर डैंड्रफ है, बाल बहुत डल हैं, उनमें शाइनिंग नहीं है, इन सब मसाइल का हल आज की इस वीडियो में है। इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आइए रेमेडी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलोवेरा लेंगे। ये देखें, ये एलोवेरा मैंने घर से तोड़ा है। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं अपने घर का एलोवेरा यूज़ करती हूँ। और ये देखें, ये येलो येलो पानी इसमें से निकला है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए 10 से 15 मिनट तक हम इसमें पानी में डिप करके रखेंगे हम, इसलिए कि ये चीज़ जो है ये नुकसान करती है किसी भी चीज़ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। इसमें येलो येलो पानी निकलता है। 10 से 15 मिनट तक हम इसे पानी में डिप करेंगे। जब तक ये 10 से 15 मिनट तक पानी में डिप रहेगा, मैं दूसरा काम करती हूँ। ये अनियन है, इसको छील के अब ये इसे भी मैं पानी में थोड़ी सी देर के लिए डिप करूँगी। ये देखिए, इसको 5 मिनट हो गए पानी के अंदर। अब मैं इसको रिमूव करूँगी पानी इसका, फिर इसके पीसेस करने हैं। इसके पीसेस कर लिए। अब इसे भी हम ग्लैंडर, अब ये इसे भी 15 मिनट हो गए हैं पानी में डिप किए हुए। ये देखें कि साफ हो गया और ये पानी कैसा येलो येलो हो गया इसका। इसे हम हटा देंगे और इसके भी हम पीसेस करेंगे। ये सब मैं ग्लैंडर करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने ग्लैंडर कर लिया। अब मैं इसे छान लूँगी, इसका पानी छान के। ये सब इस तरह, ये देखें पानी इसका निकल रहा है। ये देखें, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मैं अभी पूरा नहीं छानूंगी, ये इतना मैंने निकाल लिया, काफ़ी है। ये देखें, ये देखें अच्छा खासा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के दो टेबल स्पून। आप इसमें चाहें तो कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ऑलिव ऑयल अवेलेबल था इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। आप इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे यूज़ करें। इसको आप किसी स्प्रे बोतल में डाल लीजिए, स्प्रे बोतल से भी ये बाहर आ जाएगा। और अगर चाहें तो आप इस किसी कंटेनर में इसको रख लें, रुई की मदद से, कॉटन की मदद से आप बालों में लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप उससे ही अच्छी तरह अपने बालों में स्प्रे करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। यह आपके बालों को बहुत ही ब्यूटीफुल और शाइनिंग कर देगा, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, डैंड्रफ भी निकल जाएगी। इसे आप रोज़ाना लगाना चाहें तो रोज़ाना भी लगा सकते हैं, और अगर हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हैं। रेगुलर से रिज़ल्ट जल्द नज़र आते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रेगुलर यूज़ करेंगे या हफ्ते में 2 मरतबा।
इसे बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको लगाना हो, आप नहाने से पहले इसे एक घंटा पहले लगा लें और आधा घंटा अपने बालों में लगा रहने दें। फिर उसके बाद अपने बालों को आधे घंटे के बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से धो लें, या जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उससे बाल धो लें। यह आपके बालों पर बहुत ही अच्छा असर करेगा। आप इसमें लेमन ड्रॉप भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि लेमन भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, प्याज और एलोवेरा, और ये ऑलिव ऑयल ये डाला है इसमें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेमेडी पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरी रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।